गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स ब्रिज कोर्सेज का आज 16 डे है और यहाँ पर वर्कशीट नंबर 16 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका यूनिट है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस और सब यूनिट है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस है इनका कन्वर्शन डेसिमल फ्रैक्शन में एंड कॉमन फ्रैक्शन जो है उनका कन्वर्शन डेसिमल में और डेसिमल का कॉमन में वो किस तरह से करते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस पर डिपेंड जो भी एग्जाम्पल है वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो देखो अभी यहाँ पर 34.23 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसका कन्वर्शन हमें कॉमन फ्रैक्शन में करना है। तो देखो यहाँ पर 34 ये जो है ये कंप्लीट है और 23 जो है वो इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट जो नंबर रहेगा वो 34 और यहाँ पर देखो 23, तो इसके बाद इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो कौन से प्लेस पर आया है। देखो यूनिट 10 एंड 100, तो 100 प्लेस पर आया है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 100 होगा और 23 जो है वो इसका डिनोमिनेटर होगा, तो आंसर आएगा 34 एंड 23/100। उसके बाद है 44.15, अभी यहाँ पर 44 कंप्लीट है इसीलिए यहाँ पर 44, उसके बाद देखो 0.15, तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो कौन से प्लेस पर आया है, तो देखो यूनिट 10 100, तो उसका डिनोमिनेटर कितना होगा 100 एंड 15 जो है वो यहाँ पर उसके क्या रहेंगे न्यूमरेटर रहेगा, तो इसलिए आंसर आया 44 एंड 15/100। उसके बाद 29.03 उसका भी इसी प्रकार करना है, 0.37 इसका भी करना है, 15.3, 6.76, 1.009 एंड 10.5, इन सब का आप लोगों को इसी प्रकार सॉल्व करना है। सेकंड में है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, मतलब अभी ये कॉमन फ्रैक्शन है इसका डेसिमल में कन्वर्शन करना है, तो डेसिमल में कन्वर्शन करते समय पहले ये जो कॉमन फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100 या फिर 1000 ऐसे मल्टीपल, मतलब 10 से मल्टीपल होना चाहिए, तो ये मल्टीपल होने के लिए कभी कभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कभी कभी हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 3/4 अभी इसका डेसिमल में कन्वर्शन करना है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर हमें 10, 100 या 1000 करना है तो इस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर 100 होगा तो 25 से, इसीलिए 4 × 25। अभी जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, यानी 3 × 25। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 25 × 3 यानी 75 और 25 × 4 यानी 100, तो आंसर आ गया 75/100। अभी इसका डेसिमल में करो, देखो यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं है इसीलिए 0.75, देखो इसका डिनोमिनेटर 100 है तो यहाँ पर यह डेसिमल पॉइंट बराबर 100 के प्लेस पर आना चाहिए, देखो यूनिट 10 एंड 100, तो इसीलिए आंसर आ गया 0.75। सेकंड में है 4/5, अभी यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर कितना है 5, तो वो आपको 100 या फिर 10 या फिर 1000 आना है, तो उसके लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, इसीलिए 20 × 4/5 × 20, तो देखो यहाँ पर 20 × 5 यानी 100 और 20 × 4 यानी 18, तो 80/100 यानी 0.80। उसके बाद 9/8, 16/20, 32/40, अभी देखो इसका भी किस तरह से करना है, 34/40 है, तो अभी देखो इसका डिनोमिनेटर कितना करने का है, तो 10 करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो 4 से डिवाइड करो, देखो 4 से अगर 14 को डिवाइड किया तो 4 को 32 को भी डिवाइड करो, इसलिए 4 8 = 32 एंड 4 10 = 40, तो देखो आंसर आ गया 8/10 मतलब 0.8। उसके बाद 7/25, 19/200, 13/50, तो इस तरह से इनके भी आपको आंसर मतलब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस, अभी यहाँ पर देखो वो फर्स्ट नंबर है 3/5 = 3 × 2 × 5 = 2 = 2 × 10 = 2, तो देखो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना आया है 10 आए हैं, तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, तो 2 से, तो अगर 5 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, इसलिए 3 × 2 यानी 6 और 5 × 2 यानी 10 यानी 6/10 यानी 0.6। उसके बाद 25/8,
अभी देखो 25 मल्टीप्लाई स्क्वेयर अपॉन 8 मल्टीप्लाई 125, तो यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर कितना आए हैं 1000, तो 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, तो 125 को, तो उसी नंबर से 25 को मल्टीप्लाई करो। अभी जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखो और फिर उसका आंसर आएगा डेसिमल में 3.125। उसके बाद है 21/2, तो देखो 21/2, 21 मल्टीप्लाई स्क्वेयर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 10, तो 10 को मतलब 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो 5 से, तो उसी नंबर से 21 को भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा और फिर डेसिमल में आंसर लिखो। और 4 नंबर का है 22/20, तो 22 मल्टीप्लाई 5 20 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू डैश स्क्वेयर अपॉन 100। अभी देखो 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो उसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आंसर लिखो और जो आएगा फिर यहाँ पर डेसिमल में लिखो। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो वर्कशीट नंबर 16 है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, तो अच्छी तरह से आपके नोटबुक में सॉल्व करना है।